कोविड-19 के सागर संभाग प्रभारी और मध्य प्रदेश शासन के नगरी प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव नितेश व्यास सागर और दमोह का दौरा करने के बाद भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज पहुंचे, जहां अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही सीएसी अमानगंज में बनाए गए फीवर केंद्र का भी अवलोकन किया और केंद्र में अब तक लिए गए सस्पेक्टेड लोगों की सैंपलिंग की जानकारी भी ली। इसी के साथ बीएमओ अमानगंज डॉक्टर आशीष तिवारी को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों से इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग सहित शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। आज सागर दमोह में कोविड संबंधी समीक्षा की गई और पन्ना में कल समीक्षा की जानी है और यहाँ पे फीवर क्लिनिक बनाया हुआ है अमानगंज में, उसका भी अवलोकन किया। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और सभी यहाँ के निवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये सभी लोग सावधानी बरतें और जो बताया गया है कि 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क का उपयोग करना है, हाथ सैनिटाइजर से धोना है, ये सब जो प्रिकॉशन हमें लेना है उसमें किसी प्रकार की ढिला या कोताही ना बरती जाए, क्योंकि अभी खतरा संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। जी, आज प्रमुख सचिव सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में भ्रमण का पूर्व से निर्धारित विजिट थी और उनको इसके बारे में फीवर क्लिनिक एवं जो सस्पेक्टेड सेंटर है वहाँ का विजिट करना था, तो सर का आगमन हुआ था और उन्होंने फीवर क्लिनिक और उसका फीवर क्लिनिक में कितने अभी तक लोग आए हैं, कितने सैंपल हुए हैं, इससे संबंधित जानकारी उनके द्वारा ली गई।